सागर के खुरई अंतर्गत खिमलासा के व्यस्तम इलाके में बदमाशों ने एक मोबाइल दुकान के बाहर सरेआम गोली चलाकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। इसके बाद बदमाश कार से भाग निकले। पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। बदमाशों ने लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि मालथन रोड पर मोबाइल दुकानदार सुमित सराफ दुकान में कैश रखे हुए था। इस दौरान बदमाशों ने उससे सारा कैश देने को कहा, लेकिन उसने कैश नहीं दिया और बदमाशों ने गोली चलाने की धमकी दी। दुकानदार के चिल्लाने पर तीन में से एक बदमाश ने उस पर फायरिंग कर दी। दुकानदार ने समझदारी दिखाते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लिए, जिससे गोली बाजू से निकल गई, मगर उसके चेहरे और बाएं हाथ के अंगूठे पर बारूद लग गई, जिससे वह घायल हो गया। लेकिन बदमाश लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। इस घटना की जानकारी पुलिस थाने में दी गई। इसके बाद पुलिस ने घायल दुकानदार सुमित सराफ को निजी वाहन से इलाज के लिए खुरई सिविल अस्पताल भेज दिया गया। घायल को भेजने के उपरांत मालथौन बीना और भानगढ़ पुलिस को सूचित कर नाकाबंदी कराई गई। खिमलासा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर धारा 307 का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। हम दुकान पर खड़े थे, वो दो लोग आए, पहले टार्च बताओ, वो टार्च बताते कि भाई जैसे हम अंदर गए तो उतने में अपनी जो देसी कट्टा है वो निकाल लो, पहले पैसे निकालो। हमने पैसे निकाले भाई, तो उनके लिए एक काम कर, पूरे निकाल, जल्दी निकाल, नहीं तो फायर कर दे। तो हम चिल्लाए भाई से चिल्लाए, इतने उन्हें फायर कर दो, तो हमारे हाथ में और चेहरा में चोट आई है, इसी जगह पर गोली लगी है। समय कितना? तो समय तो 9:34। खुरई से योगेंद्र सिंह गौर की रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज़।